नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर में पिछले जुमे हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरे प्रदेश में कल जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था। अलीगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मुस्लिम संगठनों ने बंद बुलाया था, जिसके चलते पुलिस सतर्कता बरतती हुई नजर आई। लेकिन उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। देखिए, जुमे की नमाज के मद्देनजर हरदम से सतर्कता बरती जाती है। इस बार भी वो सतर्कता रखी गई है और जनपद में चूंकि अभी हमने ज्वाइन ही किया था, तो मैं और एसपी साहब अपने शहर का ग्राउंड इस नज़रिए से लिया था कि सब कुछ व्यवस्थित रहे। यहाँ हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर सब ड्यूटी पे थे। बहुत पुरसकून तरीके से नमाज अदा हो गई है और बाजार में भी चहल पहल है, नॉर्मल सी है। अभी हम घर के बाजार देखते हुए आ रहे हैं रसोगंज साइड से रेलवे रोड की तरफ से और ऊपर कोट के इलाके में, तो मैं समझता हूँ कि जो अमन चैन है शहर का वो कायम है और आगे भी इसी प्रकार से कायम रहेगा। देखिए, अलीगढ़ में फ्राइडे को साप्ताहिक बंदी वैसी कई जगह रहती है, अपने आप से भी जो इस समय ये आज की बात तो है नहीं, इस समय जो होता है उस समय लोग बंद भी करते हैं 2 घंटे के लिए, चाहे जमालपुर का एरिया हो चाहे सिटी का एरिया। ऐसा कोई खबर कहीं से है नहीं, अफवाह को सबको दबा दिया गया था। किसी भी यहीं पर कोई भी संदिग्ध है कड़ी पूछताछ की गई, यही कारण रहा कि आज पूरी तरह से सोशल यहाँ पर नमाज की अन्य जो कार्यक्रम थे धार्मिक वो सभी सभी संपर्क। बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद रहा। पुलिस, पीएसी और आरएफएफ सभी संवेदनशील और भीड़भाड़ इलाकों में तैनात रहे। खुराफातियों पर ड्रोन कैमरों से नजर भी रखी गई। पूरे शहर को छावनी में तब्दील भी किया गया था। ईडीजी, आईजी, कमिश्नर, डीए, एमएसएसपी खुद सभी संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। बरेली में वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के भतीजे की गुंडई सामने आई है। अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर वर्दीधारी होमगार्ड को बेरहमी से पीटा है। सड़क पर गिरा गिरा कर लात घूसों से पीटा गया, होमगार्ड की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने वन मंत्री के भतीजे अमित कुमार का शांति भंग करने में चालान किया और इसके अलावा ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। प्रेमनगर थाने में FIR भी दर्ज कर ली गई है। बस्ती के लालगंज कमरिया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब शादी के दौरान दूल्हे की पहली पत्नी मंडप में पहुंच गई। पहली पत्नी के मंडप में पहुंचने से शादी समारोह में हड़कंप मच गया। मंडप में आई महिला ने दूल्हे को अपना पति बताते हुए शादी को रुकवा दिया। महिला के साथ एक 5 साल की लड़की भी थी जो दूल्हे की बेटी बताई जा रही है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शादी को रुकवा दिया। पूछताछ में पता चला कि दूल्हा पहले से ही शादीशुदा है और बेटी भी है। सच्चाई सामने आने के बाद बाराती भाग खड़े हुए। जिस लड़की से शादी होने जा रही थी उनको भी नहीं पता था कि दूल्हा पहले से शादीशुदा है। इसके बाद दूल्हे को पकड़कर थाने ले जाया गया। ये जनपद बस्ती की पुलिस के संज्ञान में यह मामला आया, जिसमें जो लड़का है वो प्रशांतपुर थाने का रहने वाला है, जिसकी शादी पूर्व में हो चुकी थी और पूर्व पत्नी से उसकी एक बेटी भी है। बाद में दोनों के बीच में मनमुटाव था, जिसके संबंध में एक पारिवारिक विवाद परिवार न्यायालय में चल रहा था, जिसमें लड़की के भरण पोषण के संबंध में आदेश भी दिया गया था। उसी क्रम में जो व्यक्ति था उसने पुनः शादी रचने का प्रयास किया, शादी करने का, जिसकी सूचना पूर्व पत्नी को हुई तो उसने मौके पर जाकर के छुट्टी करने से रोका। ये मामला थाने पर पहुंचा, जहां पर अभी वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो गया है और दोनों पक्ष कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। पूरा मामला यही है कि दहेज के चक्कर में हमें मारने के धमकी दिए और पिताजी कहे थे कि हम गाड़ी 51,000 तिलक सीकड़ अंगूठी बाहर रहते थे जो जो कहीं नोट दिए गए। माता पिता जब से मर गए तब से मैं ताजना दिए शुरू किए, मारिन पीटिन कुलकुल दशा किन थाने पाए, रिपोर्ट लिख गए 2 बार थाने पर से हमें लिखा पढ़ी कराई लेके गए। फिर वह हमारी है हाल करे लागे, पिताजी मेरे इंस्पायर हो गए, हम देखने आए। फिर दोबारा हम घर पे इनके गए, ताला लगाए दिहिन, घर में नहीं हलने दिहिन हम। मैं तब से यही विवाह कोर्ट में मुकदमा किहीन ये सब, फिर हम भी गए किहन और तब से कोर्ट में मुकदमा चला। खर्चा दे सारा वो भी नहीं दे रहे हैं कि ये तो हम तो फोन में धमकी दे रहे थे कि हम तो शादी कर ली, हमारे 2 बच्चे हैं। नहीं सर, ऐसा बोल रहे थे कि दहेज के लिए 51,000 तिलक ये सब कुछ का, कुछ नहीं मेरे को मिला नहीं कुछ, और ना हमने मांगने की ये भी जरूरत की, ना उनको कोई तकलीफ था। इसने जैसा बोला वैसा हमें 3 महीने इनको अलग भी रह के रखा। कुछ नहीं, तुम बोले कि
फिर क्या दिक्कत आ गई कि सर ये जहर और फांसी लगाने के लगी, इसलिए साबुत तो घर पे है, यहाँ तो थोड़ी कोई है, इसलिए हम दोनों का पहले ले जाके इनके घर पे करके इनको बताया। इनके भाई भी थे, इनके मौसा के भाई छोटे थे, उनको बताया सही बात, आके समझाए, फिर नहीं समझाने पर नहीं माने, फिर ये आके गुड़ की धमकी दिए आप कैसा करो। बिजनौर में डीएम उमेश मिश्रा, एसपी डॉक्टर धनवीर सिंह सड़कों पर उतरे, कानून और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, पुलिस को दिशा निर्देश दिए। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, अफवाहों पर ध्यान न देने की जनपद वासियों से अपील की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी भीड़ नजर आई थी। गोरखपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने गरीब कल्याण सभा के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कभी किसी ने सोचा कि कांग्रेस के लोग गांधी जी और खादी के नाम पर राजनीति करते रहे, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ाया। सीएम योगी ने इसे वोकल फॉर लोकल से आगे बढ़ाया है। मैंने किसी जाति पाति की बात नहीं की है, कांग्रेस सपा जाति पाति की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि पहले राजनीतिक परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार की पर्यायवाची रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकासवाद में बदल दिया है। हरदोई पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन ब्रजभूषण ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से अब तक 5 माह में माफिया और शातिर अपराधियों की लगभग 125 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर के मामले में जब्त करते हुए कार्रवाई की गई। लखनऊ जोन में 1 जनवरी 2022 से 31/5 तक 5 महीने में माफियाओं की और जो शातिर अपराधी हैं उनकी लगभग 125 करोड़ की संपत्ति हम गैंगस्टर में जब्त कर चुके हैं और ये कार्रवाई अभी बहुत तेज़ी से हमारी जारी है। इसके साथ साथ 1440 जो हमारे बड़े अपराधी हैं, माफिया हैं, इनके खिलाफ़ हम गैंगस्टर में कार्रवाई करके उनको जेल भेज चुके हैं। 12 को हम रासुका लगा चुके हैं, 602 बड़े अपराधियों को जिला बदर करा चुके हैं, 765 अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोल चुके हैं, 340 गैंग हम लोगों ने ऐड कराए हैं। इसके साथ साथ जो अवैध शराब के धंधों में इन्वॉल्व हैं ऐसे 131 शराब माफियाओं पर हम लोगों ने गैंगस्टर में कार्रवाई करी है, उनकी लगभग 28 करोड़ की संपत्ति जब्त करी की गई है, 3 को रास्ता में जेल भेजा गया है। इसी प्रकार से गौ तस्करी करने वाले लगभग 315 अपराधियों को हमने गैंगस्टर में जेल भेजा है, उनकी भी लगभग 4 करोड़ की संपत्ति जब्त कराई है। तो हाथरस में जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। पुरदिल नगर में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर नारेबाजी की गई। पुलिस टीम ने मोर्चा संभालते हुए नारेबाजी करने वालों को खदेड़ा है। पुलिस के ऊपर पथराव करने की भी यहां पर सूचना मिली है। सूचना पर जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ भारी पुलिस फोर्स रवाना हुई। कोतवाली सिकंदराव क्षेत्र के पुरदिल नगर का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। कल की पूरी घटना पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट को लेकर पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर पुलिस अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम है। जिस तरीके से 3 लोगों ने बेखौफ होकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे डाला, इसको पुलिस की विफलता ही कहा जाएगा। जनपद ऊधम सिंह नगर में चोरियाँ डकैतियाँ ये बढ़ गई हैं, छोटी बड़ी चोरियाँ तो होती रहती हैं, काफ़ी हो रही हैं, पहले से बढ़ गई हैं। हमारा ये अपना एक्सपीरियंस है कि जब जब पुलिस अपनी आई पे आ जाती है तो चोरियां और डकैतियां जीरो हो जाती हैं, रुक जाती हैं। जब जब चोरों और डकैतों को पुलिस का भय खत्म हो जाता है तो ये रोजाना कहीं ना कहीं कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है।
सोशल मीडिया पर भारत बंद की अफवाह के बाद मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे पर मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने पूरे शहर को किले में तब्दील कर दिया और जामा मस्जिद के चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले लोगों को रोक दिया। समझा बुझाकर सभी को शांत किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने कहा कि सभी परिस्थितियां नियंत्रण में हैं। पुलिस के द्वारा जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर रखी गई है और ड्रोन कैमरे से शहर के हालातों का जायजा लिया जाता रहा है। देखिए, आपने देखा विगत दो दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कुछ भ्रामक मैसेज चलवा रहे थे कि किसी प्रकार का कोई बंद होगा। इस संबंध में कल भी जामा मस्जिद से ज्ञापन देते समय हमारे शहर इमाम साहब ने सभी से कहा था कि किसी भी संस्था संगठन की ओर से किसी प्रकार का बंद नहीं है और यदि कोई किसी प्रकार का बंद कराने का प्रयास करता है तो उससे बहुत ही कठोरता से पुलिस प्रशासन निपटेगा। लोगों ने समझा है उस बात को और सामान्य जनजीवन है। आज जुमा है, आज नमाज करने सभी लोग आने वाले हैं। एहतियात के तौर पर हम लोगों ने फोर्स रखा हुआ है, ड्यूटियां लगी हुई हैं हमारी, ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं हम। पीएससी का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है, सेक्टर स्कीम भी लागू है शहर में कि किसी प्रकार से हमारे आम जनमानस को कोई समस्या न हो और जो लोग घर से आए अपना नमाज पढ़ें और सकुशल अपने घर पहुँचें। सर्वरग्नि नैनीताल भीमताल विधानसभा के ओखलाकान ब्लॉक के डालकन्या ग्राम तोक पर एक कार बोलेरो गहरी खाई में जा गिरी। एक ही परिवार के तीन लोगों सहित दो अन्य लोगों की मौत हो गई है। इधर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आयुक्त कुमार मंडल, जिलाधिकारी नैनीताल ने भी दुख व्यक्त कर मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पीलीभीत में गन्ने के पैसों के लेन देन को लेकर गांव के कुछ दबंग लोगों ने एक अधेड़ के साथ जमकर मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसकी शिकायत स्थानीय पुलिस ने से की गई है। साथ ही अधेड़ को घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हमारे दुकान के सामने जो है लाठी पटक रही है, तो हमने भाई गालियाँ क्यों दे रहे होंगे, ठीक है, तो बोले कि अशोक मालिक तुमने उनके घर में विवाद हो, तुमने रिपोर्ट कर देंगे, तो बोले तुमने चढ़ाओ उनके लिए, तो हमने भी सवेरे बात करी हो भाई, हम सवेरे क्यों मालिक ऐसा हम पर लिपट पड़े सब्जी में। मेरे चाचा जो हैं सत्य प्रकाश, वो अपनी दुकान पर, किराना की दुकान है, उसमें लेटे थे। रूपेश कुमार, अमरिका प्रसाद और मनोज और सुरजीत कुमार, ये लोग गाली गलौज चाचा के लिए कर रहे थे। जब चाचा दुकान खोली और बाहर आए, बोले भाई तुम लोग गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, कोई बात है तो सुबह बात करना, क्या बात है। और बात ये थी कि इनके जो चचेरे तहरे भाई हैं, उनने इनके ऊपर पैसे को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई दी थी, उसमें पुलिस भी आई थी। तो ये लोग समझ रहे थे कि मेरे चाचा जो सत्य प्रकाश हैं कि इनने उनको चढ़ा दिया है, मतलब किसी के पैसे आ रहे थे। हाँ, किसी के पैसे आ रहे हैं, तो ये पैसे देने से इनकार कर रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट कर दी इनके ऊपर। इस मामले में उन्होंने विरोध किया कि भाई हमें गाली उली मत दो, जिसने तुम्हारे ऊपर लिखाई उसका जो भी करो। प्रतापगढ़ में दहेज के लिए एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मामला प्रतापगढ़ नगर कोतवाल के रमन का पुरवा राजगढ़ का है, जहां गुरुवार की देर रात पति अश्विनी कुमार उर्फ बबलू ने दहेज के खातिर अपनी 22 वर्षीय पत्नी आरती की निर्मम हत्या कर दी। मामले में कोतवाली पुलिस ने पति और सास को हिरासत में लेने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रयागराज में कानपुर की तर्ज पर जुमे की नमाज के बाद पुलिस पर जमकर पथराव हुआ। नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। पुलिस की तमाम प्रयासों के बावजूद उपद्रवी नारेबाजी के साथ पथराव करने लगे, छतों से भी पथराव हुआ, जिसके बाद आरएएफ और पीएसी ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा है। रुद्रपुर में पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी में रहे नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान का मामला शांत नहीं हो रहा। वहीं सोशल मीडिया पर 10 जून को भारत बंद का ऐलान का पोस्ट वायरल हो गया, जिसे देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करने लगी। उसके बावजूद खेड़ा में मुस्लिम नौजवानों ने जुलूस निकाल दिया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया।
सोनभद्र के शक्तिनगर के अवैध पेट्रोल पंप समीप बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस और एनटीपीसी आवासीय परिसर में चोरी में लाखों का सामान बरामद हुआ है और 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीपी क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल ने थाना अध्यक्ष नागेश कुमार सिंह के साथ शुक्रवार को शक्तिनगर थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर चोरी का खुलासा किया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।